अगर किसान को तुम अहमियत नहीं दोगे तो सरकार नहीं बना सकता कोई भी। कोई तो काम के नाम पर अपनी वोट मांगता है, है? ये इनके बहाने बना बना वोट मांगे हैं, है? बाप बेटे ही क्या कहने, अरे खुद धरातल बताओ ना तुमने क्या किया है। हुड्डा साहब हैं, एमपी साहब हमारे, धरातल जो हमने काम करा वो काम करके बताते हैं। मार के भगा देंगे किसान इन नकदी ने, एक तरफा मोलक जो है तुमने हालात खराब किए ना किसान के, जो सवा साल बैठ गए 750 ने बलिदान दे लिया, तुमने किसी की इज्जत नहीं करी। इससे भाजपा सरकार पूरी तरह बौखला गई है और यही वजह है कि वो बार बार घोषणाएं करते हैं लेकिन लोग हैं उसकी असलियत समझ रहे हैं कि ये जो काम कर रही है सिर्फ चुनावी वायदे हैं, आगे इनका कुछ नहीं होना है। बरोदा हलका में आज किसान सम्मान यात्रा निकल रही है, किसानों को न्याय दिलाने की मुहिम है। रणदीप मलिक और तमाम जो अलका लांबा जो कि किसान कांग्रेस से हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी और अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, यात्रा पूरे बरोदा हलका में निकल रही है और बरोदा हलका वो हलका है जहां पे किसानों की, पूरा एरिया किसानों का है, यहां पे कोई शहर कोई कस्बा नहीं लगता। सवाल पूछिए फिर से। पूरा हलका जो है वो किसानों का हलका है और ये ऐसा हलका जहाँ पे कोई कस्बा कोई शहर नहीं है, पूरा किसानों का हलका है। किस तरह से यात्रा निकल रही है और इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं, यही वो मेरे परिवार के लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे जिससे इन दुष्टों का नाश हुआ है, तो मैं इनका धन्यवाद, मेरी पूरी टीम है, पूरी किसान कांग्रेस इनका धन्यवाद करने के लिए आई है और इनके परिवारों का धन्यवाद करने आई है जो इन्होंने इतने लंबे समय तक ये युद्ध लड़ा, बॉर्डर पे बैठे और इतना बड़ा त्याग किया, उसके लिए हम नमन करते हैं, इनका धन्यवाद कहने के लिए आए और कोई मकसद नहीं। आज सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ आप यात्रा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? परिवार के बीच में जब इंसान जाता है उसे अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए मौका मिले तो अच्छा ही लगता है। रणदीप जी, यात्रा निकल रही है पूरे ट्रैक्टर और जोश के साथ यात्रा निकल रही है, क्या ये यात्रा बदलाव ला पाएगी? भाई बदलाव तो तुम ही देख लो, कितने ट्रैक्टर, हजारा ट्रैक्टर आ रहे हैं, सब विरोध मान रहे किसान का, सरकार का, बीजेपी का, क्योंकि इन्होंने मारने का काम किया है। आज जो यात्रा हमारी किसान मजदूर न्याय सम्मान धन्यवाद यात्रा है, उसके लिए हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं, यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं। अगर किसान को तुम अहमियत नहीं दोगे तो सरकार नहीं बना सकता कोई भी, जो भी सरकार बना होगा किसान के बगैर नहीं बनाई। छत्तीस बिरादरी खेती करती है, ये खाली जात पात का करते हैं, किसान को मारने का काम करते हैं, है? तो भाई यात्रा आप देख लो पूरी कवर। बात बताओ यार, तो आपका विधायक भी है इसमें, तो हल्के मत है और लग है इस हल्के मत बदलाव होगा? ये हर हल्के में बदलाव है, किसान हर हल्के में है, हर हल्के में बदलाव है, सब इसके खिलाफ हो रहे हैं सरकार के। बीजेपी तो नुकाय थी बुलाया था, पुत्र बेटा की और उसकी बाप की पार्टी और कुछ घर नहीं रहे, उनके पास कहने को क्या है? कोई तो काम के नाम पर अपनी वोट मांगता है, हैं? ये इनके बहाने बना बना वोट मांगे हैं, हैं? बाप बेटा ही क्या कहने, अरे खुद धरातल बताओ ना तुमने क्या किया है। हुड्डा साहब हैं, एमपी साहब हमारे, धरातल जो हमने काम करा वो काम करके बताते हैं, तो ये तो इनके पास और कुछ नहीं है, कह देते हैं बाप बेटे की है, इसमें फूट पड़ रही है और कुछ नहीं। अरे धरातल तो कुछ किसी को नायब सैनी तो किसानों का कर्जा माफ कर दिया और भी सुविधा नहीं किया, उसका ब्याज माफ किया है। नहीं नहीं, वो कर्जा वो जो कुछ भी उन्होंने किया वो सोते रहे, मेरे परिवार के लोग मरते रहे, मेरे परिवार के लोग दुखी रहे, तकलीफ में रहे, अब चुनाव आया है तो कर्जा माफ कर दोगे? अरे बड़े बेशरम हो, शर्म कर लो। 10 साल तक आंखू रहते हुए तुम 10 साल तक किसान मरने लग रहा है। एक कहावत है हरियाणा में, उड्डा तेरा राज में जीरी गई जहाज में, आड़े घर सड़ा दी है लोग आगे, जो पोर्टल पे जीरी अगर 50 क्विंटल चढ़गी ना और 60 किसान का निकलेगी तो 10 क्विंटल घराएं सड़ेगी, ये ले होंगे नहीं, मरने का काम इन्होंने किया। ये नहीं चाहते किसान खेती करे, ये तो नहीं चाहते अडानी अंबानी को खेती दे दे और वो कर। लागे इनका किसान का मेरे की सरकार होने, एक तरफा मोल मार के भगा देंगे किसान इन नकदी ने, एक तरफा मोल जो है तुमने हालात खराब किए ना किसान के, जो 125 साल बैठ गए 750 ने बलिदान दे लिया, तुमने किसी की इज्जत नहीं करी, एक तरफा मोल। वीरेंद्र भाई के कुछ कहना है, यात्रा चल रही है भाई, ये कहना जी किसानों के नाम पर राजनीति तो ये पार्टी कर रही है लेकिन किसानों को देने के लिए कुछ नहीं है। अब कर्जा माफी और MSP गारंटी की वो झूठे जुमले कर रहे हैं, ये मोदी ने भी कहा था,
किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, खाद बीज के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, भाव के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, किसान अपनी मांगों को लेकर भूखे प्यासे सड़कों पर बैठे रहते हैं और ये किसान हितैषी होने का झूठा जुमला कर ढोंग कर रही है। तो निश्चित तौर पर 10 साल से जो किसान परेशान है उसने मन मरा लिया है और अखिलेश जी के नेतृत्व में जो ये किसान न्याय यात्रा निकाल रही है इसमें भारी समर्थन और विश्वास लोगों का जुड़ रहा है। जो इतना बड़ा नेता हरियाणा के किसानों के न्याय सम्मान के लिए हमारे बीच में आ रहा है तो इसका आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। भाई रेखा है, वैसे तो ट्रैक्टर यात्रा है और इतने जोश है, एकली सी महिला प्रौद्योगिकी जोन से पूरा दम रखा है, कभी लड़ाई पूरी लड़ा है, ये किसानों के हित की लड़ाई है जी, इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं जो कि पीछे हैं हरियाणवी कल्चर में है, दामन कुर्ता पहना हुआ है और हमारी अलका लांबा जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आई हुई थी और सुधा भारद्वाज भी आई हुई थी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस यात्रा का हिस्सा बना था और यात्रा सफल बनाने के लिए बहुत आगे बढ़ रही है। तो लगा है यह वृद्धा हल्का क्रांति लेकर आओगा? ये वृद्धा हल्का जी क्रांति लेकर आओ नहीं, क्रांति ले आए वृद्धा हल्का, तो क्रांति हर बार लेके आता है, किसान यात्रा से लेके लगा लो, दीपेंद्र भाई की यात्रा से लेके लगा लो, कहीं से भी लगा लो, वृद्धा हल्का सबसे सक्षम हल्का है और सबसे आगे रहता है, उड़ा साहब का हल्का है जी, अड़ा हर चीज की जीत हो कजा है। भाई यात्रा वृद्धा हल्का में आज निकल रही है और मान साहब हमारे साथ, मान साहब कैसा लग रहा है और इस यात्रा का असर कितना होगा? देखिए जो हमारी किसान मजदूर समाम एवं न्याय यात्रा है उसका ये तीसरा चरण है, सबसे पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र बाड़ा से शुरू हुई थी जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, उसके बाद रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, आज ये सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में। निश्चित तौर पे जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था, 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी, तो अखिल भारतीय स्तर पर किसान कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि हरियाणा में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं और वोट मांग रहे हैं, और हम किसान और मजदूरों का सम्मान देने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए पूरे के 10 लोकसभा क्षेत्र में ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लगता नहीं आपको इस न्याय यात्रा से पहले ही जो सरकार में हलचल शुरू होगी, नायब सैनी कह रहे हैं किसानों का कर्जा माफ कर दिया और भी बहुत सारी सुविधाएं जो किसानों को दे रहे हैं? देखिए दो जो कार्यक्रम चले हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो हरियाणा हिसा मांगे कार्यक्रम चल रहा है जिसकी अगुवाई माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से किसान कांग्रेस की जो किसान सम्मान एवं न्याय यात्रा है ये निकल रही है, तो इससे भाजपा सरकार पूरी तरह बौखला गई है और यही वजह है कि वो बार बार घोषणाएं करते हैं लेकिन लोग हैं उसकी असलियत समझ रहे हैं कि ये जो काम कर रही है सिर्फ चुनावी वायदे हैं, आगे इनका कुछ नहीं होना है, क्योंकि 4.5 साल तक तो ये 5 साल जागे रहे, यानी किसान इनको जगाते रह रही अपनी नींद सोए रहे, अब किसान इनको जगाएंगे और निश्चित तौर पर जो विधानसभा चुनाव होगा इनकी आँखें खोल देगा। लगता है इसका जो एक लहर उठेगी वो लहर सरकार बनाने में भी परिवर्तन होगा? हाँ निश्चित तौर पे, जब जगह जगह जब हम जाते हैं लोगों का जमावड़ा मिलता है, महिलाओं का, बच्चों का, और जो जोश देखने को मिलता है, निश्चित तौर पे एक बड़ा बदलाव आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। थैंक यू।